सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। जैसा कि आपको पता था कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे को बीच में मतलब कल ही मेरे को एक्चुअली बुखार आ गया था। मैं आज का कंप्यूटर का एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो शायद मैं इंग्लिश का कल है तो शायद मैं वो भी ना दे पाऊँ। पर अभी मेरे को थोड़ा टाइम मिला और मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो मैंने सोचा कि जो पार्ट वन था उसको ही कंटिन्यू करके पार्ट टू ही बना लिया जाए। तो मैंने पार्ट वन में ये ड्राइंग बनाई थी, अभी देखा ही था, तो इसलिए मैं कंटिन्यू करूँगा। तो मैंने नीले इरेजर थोड़ा सा निकाल लिया है, ये रहा, ठीक है, और ये ड्राइंग है। पेंसिल्स तो मेरी शार्प है, तो ग्रेफाइट वर्क के लिए हमें एक चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है, वो है टिश्यू पेपर, ठीक है। ये नीले इरेजर है, थोड़ा सा निकाल लिया मैंने। कंटिन्यू करते हैं पहले अपने टैब में, पहले मेरे टैब में मैं वो पिक्चर खोल लेता हूँ, ठीक है। ये पिक्चर थी, आप सबने भी देखा ही था, है ना। ये सोते हुए भी चिल्लाते हैं, वाह, सोते हुए भी ये आवाज़ कर रहे हैं। थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्बेंस हो रही है। अब मैं कैमरा को टर्न कर लूँगा, तभी मैं ये मतलब अभी रात तो ही हो रही, मतलब शाम हो रही है, मतलब 8:38 टाइम हो रहा है अभी, ठीक है, 8:38 बज रहा है। तो फिर अभी तो मैं मतलब पहले तो क्या करूँगा, मेरे को कप भी है, हाँ कप है, इसमें मैं जो मतलब फ़ोन में जो लाइट होती है, टॉर्च नहीं, मतलब जो वो एक लाइट होती है ना कैमरा वाले ऑप्शन में, वो उसी को ही मैं ऑन कर लूँगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड मैं सेट कर लेता हूँ कैमरा अपना, ठीक है। तो ये है, तो ऐसा कुछ है। तो हम इसको ओपन, मैंने एक चीज़ में भूल गया था इसमें करना, कुछ इफेक्ट्स थे इसमें, जैसे है तो मेरे को पता नहीं है, क्योंकि आई मेरे अभी मेरे को थोड़ा सा बेटर लग रहा है, तो शायद मैं मैथ्स का तो एग्ज़ाम दे ही लूँगा, क्योंकि वो मंडे को आया, तो तब तक तो शायद ठीक हो ही जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स का दे दूँ, तो फिर पता नहीं अगर मैं इसका पार्ट थ्री बनाना पड़ेगा या फिर पार्ट टू में ही कम्प्लीट कर पाऊँगा या फिर नहीं, क्योंकि मैथ्स थोड़ा सा भी बेटर लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, तो फिर मेरे को पता नहीं कि ये पार्ट थ्री बनाऊँगा या फिर इसमें ही पूरा करूँगा। आइज में हम कुछ ऐसा बनाया है हमने, ठीक है, तो चलिए नीचे डार्क कर देते हैं इस पार्ट को, थोड़ा सा डार्क, ठीक है, इस पार्ट को डार्क, और हमें थोड़ा सा ब्लेंड कर लेना है। टिश्यू ही हम थोड़ा सा इसका पीस लेंगे, ऐसे इसको ऐसे मोड़ लेंगे, ठीक है। अब हम इसको ब्लेंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये जो मोटा वाला पार्ट है इसको हम यूज़ करेंगे ब्लेंडिंग के लिए, कुछ ऐसा हमारा हो जाएगा। इसमें थोड़ी सी लाइनिंग वगैरह आपको छूट सकती है, ऐसा कर लेना कुछ, ऐसा हो गया।
हम इधर भी कर लेंगे। ऐसा एक शार्प पॉइंट बना लेंगे नीडल इरेजर में, ऐसा कुछ। और हम इसमें हाईलाइट कर लेंगे हम। इसमें हाईलाइट कर लेंगे। अब हम आइस के जो प्यूपिल है इसका, उसमें हाईलाइट करेंगे। अब जो हमने बनाया था घर पर टॉम्बोमोनो, हमने ये घर पे बनाया था, तो फिर इसका यूज़ करेंगे अभी। वापस मैं थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसा है। अब ये लूँगा जो मैंने घर पे एक टॉम्बोमोनो इरेजर बनाई थी, क्योंकि आप कुछ नहीं करना है, एक शार्प एज वाला एक इरेजर लेना है आपको, उसको कट कर देना है, इसके एक पेन लेना है, उसका पीछे वाला कैप हटा देना है। अब पीछे वाला जो कैप होता है उसके साइज़ का एक कोई इरेजर कट कर लेना है। आप स्क्वायर भी कर सकते हो, मैंने तो स्क्वायर में करा है, मतलब स्क्वायर तो नहीं है, साइड में थोड़ा सा एक ऐसे वाले इरेजर आता है ना, वैसे ही था, तो मैंने उसका एक कट कर लिया। शार्प एज है, इसमें एक शार्प एज कर लिया उसका। इसको हम ऐसे चाहिए, मैं दिखाता हूँ कैसे घुसा, और ऐसे इसको ऐसे अंदर घुसा लेना है आपको, ठीक है, तो कुछ ऐसे करना है, ठीक है। तो ऐसे आपको बन जाता है टॉम्बोमोनो घर पे। तो इसको मैं हाइलाइटिंग के लिए बहुत यूज़ करता हूँ, मेरे को ये बहुत इफेक्टिव लगता है हाइलाइटिंग के लिए। तो कुछ ऐसे कर लिया है हमने। इस स्टेडलर की फोर भी बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा डार्क है, को बहुत मस्त लगी इसकी स्टेडलर की। मेरा 8B तो मैंने बहुत यूज़ करा है, देखो इतना छोटा हो गया 8B। ऐसे इनका एक चीज़ होती है, बहुत दिनों तक रहते हैं, मतलब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी स्टेडलर की, ये 4B है, ठीक है। क्या कुछ ऐसा हमने किया, ठीक है। अब हमें अब चाहिए एक टू बी पेंसिल, ठीक है, ये 2B पेंसिल है। मैं अब इसके फेस को शेड करूँगा, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको बताए कि मैं सौरव जोशी से ही मैंने सब सीखा है, तो फिर एक सौरव जोशी व्लॉग लगा लेते हैं, मतलब सौरव जोशी का, मतलब एक आर्ट का वो लगा लेते हैं, चलो देखते हैं। लगाता हूँ एक सेकंड बस।
मैं लगाता हूँ। ठीक है, लगा दी मैंने। स्पीड हम बात करेंगे नॉर्मल पेंसिल्स और अच्छी क्वालिटी के पेंसिल्स के बारे में, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि नॉर्मल हो गई अप्सरा की, कैमलिन की भी काफी सस्ते में हमको मार्केट में। तो इस वीडियो का नाम है चीफ वर्सेस एक्सपेंसिव पेंसिल्स फॉर ड्रॉइंग। और भी काफी अच्छी ब्रांड आते हैं, वो थोड़ी एक्सपेंसिव मिलती है। तो बेसिकली क्या डिफरेंस होता है, जैसे कि मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ, बिगनर्स को जरूरत नहीं है, नॉर्मल पेंसिल भी अच्छी बना सकते हो, बट फिर भी जो अच्छी क्वालिटी की है वो इतनी महंगी क्यों है, क्या मुझे डिफरेंस लगा। बिकॉज कुछ टाइम पहले आपको देखा हुआ मैंने, हर एक ब्रांड की पेंसिल से, चाहे वो चीप हो चाहे वो एक्सपेंसिव हो, मैंने एक एक ड्रॉइंग बनाई थी क्योंकि मेरे पास ये है। तो मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा शेडिंग करने में, उनको यूज करने में, तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपके साथ शेयर करूंगा और आपको अपने हिसाब से कौन सी चूज करनी चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले तो ड्राइंग दिखाता हूँ कौन कौन सी बनाई है, कौन कौन सी पेंसिल से। सबसे पहले तो ये ड्राइंग है जो कि मैंने बनाई थी रिसेंटली, इसका मैंने ट्यूटोरियल भी अपलोड किया था। इन हार्ट लाइन पेंसिल से बनाई थी मैंने ये, तो टेक्सचर देखो बिल्कुल स्मूथ है फेस पे। एंड सेकंड नंबर पे है ये ड्राइंग, ये मैंने बनाई थी स्टेडलर की पेंसिल से कंप्लीट, इसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी। नेक्स्ट है ये ड्राइंग जो कि देख लो काफी रियलिस्टिक लग रही है, ये मैंने बनाई थी इन कैमलिन की नॉर्मल पेंसिल से कंप्लीट, कैमलिन से ही बनाई थी मैंने। नेक्स्ट है ये ड्राइंग जो कि मैंने बनाई थी अप्सरा की पेंसिल से, इसमें मैंने बिल्कुल ब्लेंड नहीं किया है, तो फेस पे टेक्सचर देखो एंड क्लोथ में डिटेलिंग। और ये ड्राइंग बनाई थी मैंने टोम्बो से, टोम्बो तो मैं सबसे ज्यादा यूज करता हूँ अपनी हर ड्राइंग में, तो ये देख लो। एंड जो ये ड्राइंग है ये बनाई थी मैंने वैनगो की पेंसिल से, ये वाली पेंसिल से, तो इसका टेक्सचर भी देख लो। सो अगर अब हम कंपेयर करें इन दो वर्क्स को, ये बनाया था कैमलिन की नॉर्मल पेंसिल से, ये बनाया था टोम्बो की काफी प्रोफेशनल पेंसिल से, बट जो दोनों वर्क हैं उसमें आपको बिल्कुल भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा होगा कि दोनों अलग अलग ब्रांड की पेंसिल से बनाया है। दोनों ही काफी सुंदर लग रहे हैं, शेडिंग बिल्कुल सही लग रही है दोनों में। अगर मैं बात करूँ इस वाले की, ये बनाया था मैंने अप्सरा से, इसमें देखो आईज के नीचे डिटेलिंग, क्लोथ जो मैंने आपको दिखाया देखो, तो ये पेंसिल अराउंड 5 रुपए की मिल जाती है। सो जैसे कि आपने ड्राइंग देखी है तो कमेंट करके बताना क्या डिफरेंस लगा, जो मैंने चीप पेंसिल से बनाई है जो एक्सपेंसिव पेंसिल से बनाई है। अगर मैं आपको बताता नहीं ना कि मैंने इस पेंसिल से बनाई है, वैसे तो मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप पता ही ना कर पाते, आप कहते हैं हाँ यार दोनों मस्त ड्राइंग है, कौन सी पेंसिल से तुमने बनाई, आपको लगता है कि मैंने एक ही पेंसिल से दोनों बनाई है, क्योंकि जो शेडिंग है लाइट डार्क है टेक्सचर है वो बिल्कुल सेम है, बट एक पेंसिल है 5 रुपए की, एक पेंसिल है 100 रुपए की, रिजल्ट सेम मिल रहे हैं, फिर भी एक्सपेंसिव पेंसिल अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स क्यों। सो सबसे पहली चीज है बिल्ड क्वालिटी, कि जब आप शार्प करोगे ना, चाहे कटर से करो चाहे शार्पनर से करो, आप एक ही बारी में शार्प करोगे, आपकी पेंसिल बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी, सिक्का नहीं टूटेगा, वुडन बिल्कुल सही होगा जो अच्छी क्वालिटी की होगी, बट जो नॉर्मल पेंसिल होगी वो आपकी टूटनी ही टूटनी है। अगर आप 6 पेंसिल बाय करोगे 6 में से 2 टूटेंगी टूटेंगी, या फिर 3 टूटेंगी टूटेंगी, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ड्रॉ करते हुए मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ शार्प कर रहा हूँ टूट रही है, मतलब मैं 4 बार शार्प कर रहा हूँ तो 4 बार में से 3 बार टूट रही है, तो मेरी HB पेंसिल ऐसे ही खत्म, मैं यूज ही नहीं कर पाया। उसके बाद मुझे HB का काम 2B से करना पड़ा, फिर 2B पेंसिल भी ऐसे ही खत्म, फिर 2B का काम 4B से करना पड़ा। वो तो मुझे पता है लाइट डार्क किस तरह से करना है, एक ही पेंसिल से किस तरह से बनाना है, तो मैंने 4B से 6B से किया, बट इरिटेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि मुझे एक ही से करना था, इसीलिए किया मैंने, मुझे वीडियो में बताना था कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा। बट अगर मैं बात करूँ अच्छी क्वालिटी की पेंसिल की, तो आपकी HB 2B 4B आप कोई सी शार्प कर लो बिल्कुल अच्छे शार्प होगी, बिल्कुल अच्छे से आप उसको यूज कर पाओगे, काफी दिनों तक चलेगी, बस चीप वाली है वो आपकी उसी टाइम खत्म। आपके पास कम से कम HB के 4-5 होनी चाहिए, अगर आपके पास एक बॉक्स है नॉर्मल पेंसिल का तो वो आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो कि मुझे लगता है, तो इससे ना बहुत टाइम भी वेस्ट होता है, हमारे हिसाब से इरिटेशन भी लगता है, मुझे तो बहुत लग रहा था, बट फिर भी मुझे बनाना था तो मैंने बनाया। आर्ट वर्क में डिफरेंस नहीं है, बट बनाते हुए जो मुझे फील आया उसमें बहुत डिफरेंस है। एंड सेकेंड चीज है ग्रेफाइट की क्वालिटी, वुड की क्वालिटी। चलो वुड तो हमने शार्प कर लिया, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ा, बट जो ग्रेफाइट है जब हम शेडिंग कर रहे हैं कितना स्मूथ फीलिंग आ रही है, कितना अच्छे से ग्रेफाइट पेपर पे ऑप्ट हो पा रहा है, ये मैटर करता है। ग्रेड्स में आपको एक्चुअल डिफरेंस देखने को मिलेगा, जो अच्छी क्वालिटी की पेंसिल होती है बट जो नॉर्मल पेंसिल होती है उसमें उतना डिफरेंस नहीं मिलता है, कई बार 2B HB की तरह लगेगी, कई बार HB 2B की तरह लगेगी, बट उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपने देखा आर्ट वर्क में कोई पता चल रहा है, क्योंकि वो तो हमारे ऊपर है हमने किस तरह हाथ चलाने लाइट डार्क करना है, आप एक ही पेंसिल से कर सकते, बट हाँ अच्छी क्वालिटी पेंसिल लोगे तो उसमें ग्रेड्स में आपको एक्चुअल में डिफरेंस देखने को मिलेगा। आप अगर 6 पेंसिल लोगे ना अच्छी क्वालिटी की, आपकी ऐसी रहेगी। कुछ ऐसा बनाया और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और ग्रेफाइट ड्रॉइंग के लिए, और ग्रेफाइट ड्रॉइंग के लिए टिश्यू पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है।
तो इस जगह पर हम थर्ड लेयर इंगित करेंगे। ये टूटती बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा टूटती तो ये है, उसके बाद ये टूटती तो ये भी है, बट उतना ही टूटी जितना ये दोनों टूटती है, सबसे ज्यादा टूटती है ये अप्सरा वाली। चलो कर लिया। मेन अब हमें ब्लैकिंग के लिए टिश्यू पेपर चाहिए। तीन पेंसिल बिल्कुल खराब, थोड़ा सा बड़ा लूंगा। दो पेंसिल खराब निकले ऐसी आर्ट लाइन में होता है ऐसे इसमें। अगर मैं अच्छी क्वालिटी बात करूं इसकी टोंगो की, ये देखो एक पेंसिल भी आपको ऐसी दिखी होगी जो मेरी खराब निकली हो, सारी बिल्कुल अच्छे से शार्प हुई है। मैं एक एक पेंसिल को बिल्कुल पूरी की पूरी यूज कर पाया हूँ, बट इसमें इन तीनों पेंसिल्स को मैं यूज नहीं कर पाया हूँ। जो अच्छी क्वालिटी की पेंसिल होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है, आप बिल्कुल एंड तक अच्छे से उनको यूज कर पाते हो। तो ये सबसे मेन डिफरेंस जो कि मुझे लगा इनको यूज करते हुए और इनको यूज करते हुए। बट जो आर्ट लाइन वाली है ना वो इतनी ज्यादा नहीं टूटती, जैसे कि इसमें देखो इसमें आपको फिर भी पूरी की पूरी दिख रही होंगी, अच्छे शार्प हो रखी है। सो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा इस टॉपिक से रिलेटेड। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप अच्छी क्वालिटी की पेंसिल्स ले ही लो, जो मैंने आपको दिखाई कुछ उनसे पसंद है, एक्सपेरिमेंट करो, देखो आपको कौन सी अच्छी लगती है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बाय कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो गाइस स्टेडलर जो है, आप अगर देखते होंगे स्टेडलर मतलब इतनी महंगी हो गई है, मतलब आप देख जानते हो 700 रुपये की मिलती है, ठीक है। तो 700 मतलब इतने एक मतलब इतना कोई अफोर्ड नहीं करेगा, मतलब इतने इतनी हाई प्राइस की पेंसिल्स। तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि मतलब कोई भी आपके आसपास की कोई शॉप जाओ, थोड़ा सा मतलब आपको लगना मतलब जिधर मतलब आर्ट मटेरियल ज़्यादा रखता हूँ, जैसे मैं एक शॉप वो मंगवा मैंने आपको एक वो हमारे इसमें शॉप दिखाई थी ना, वैसे तो मैंने इस बार उनसे नहीं लाया था मैं ये, और अगर आप उनको भी बोलोगे वो भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं स्टैंडर्ड की, ठीक है। तो स्टैंडर्ड आप यूज़ कर सकते हो, तो आप ऐसा ले सकते हो या तो दो ले लो, सबसे मेन ग्रेड होती है या तो एच बी 4B और 8B, ये आप ले लोगे तो आपकी आर्ट मतलब बहुत इम्प्रूव हो जाएगी, मतलब वुड क्वालिटी भी अच्छी होती है, सब मैटर करता है, ठीक है। तो इधर मेरे को लग रहा है और लेयरिंग करनी पड़ेगी मेरे को, तो पहले तो हमें चाहिए 4B स्टेडलर की। तो एंटरटेनमेंट के लिए हमारे इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो एंटरटेनमेंट के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। तो हम इधर तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा सकते हैं या फिर शार्क टैंक लगाते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो सोशल व्लॉग्स ही देख लेते हैं। हरियाणा मिलते हैं।
आराम से चलना है, और ये नहीं कि हम इतना आगे चलेंगे तो मम्मी होती है, आराम आराम से। अच्छा पर तीन ही नहीं जा रहे तो साथ में हमारे दीवान जा रहे हैं। हेलो हेलो। और बीफ जा रहे हैं बस। तो सबसे पहले हम आए पेट्रोल पंप पे, डीजल फुल कराते हैं और फिर चलते नॉन स्टॉप सीधा हरियाणा। पार्टी क्या अच्छी कड़ा तो वापस से टिश्यू पेपर लेते हैं, अब ब्लेंड कर लेते हैं इसको। तो गाइस सिर्फ 100 किलोमीटर रह गया तो फिर से पहुंचने वाले हैं, ये दिखाया 2 बजे पहुंचेंगे हम। और हम कहीं भी नहीं रुके खाने के लिए, हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और मम्मी पापा सारे रुके थे खाने के लिए कहीं पीछे, हम रुके नहीं, हम हमारा मन नहीं लगा, हमने एक चिप्स खा लिए थे बस, हम सीधा घर जा रहे हैं। अगर एडमिट अवेलेबल तो भूख भी लगती है, तो फाइनली एक ब्रेक ले लिया, जूस ब्रेक, गन्ने का जूस दिख रहा है तो पीते हैं और फिर चलते हैं। यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर रह गया, पहला ब्रेक हमारा है भाई, पैरों में दर्द हो गया, कोई थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट कर लेते हैं नारियल पानी पीना है। तो वैसे हमारे पास ये गिलास है, फिर उसके बाद ये है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास डस्टबिन नहीं है, एट भी ले लिया, एट भी साइब्रोस करेंगे। ये नया डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, ये डस्टबिन है, आपको डस्टबिन रखना चाहिए ना। अभी मैं देखा सारे यहाँ से सीधा इसमें, तो ये रहा एट भी स्टेडलर। यहाँ पे इतने सारे जूस वाले हैं, किसी ने डस्टबिन नहीं रखा हुआ, बगल में नहर है, करिए डस्टबिन, सारे ऐसे फेंक रहे स्टाइल से नहर में, ऐसे पैसे। मैं सोचा यार इनके माइंड में नहीं आ रहा फेंकने से पहले कि फेंक कहाँ रहे हैं, कहाँ फेंक रहे हैं, लेकिन उनके माइंड में कुछ नहीं आ रहा, वो सीधा फेंके जा रहे हैं बस, सारे ग्लास फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं। तो भाई इस तरह से मत करा करो, डस्टबिन रखो जो भी है, और बस फिलहाल निकलते हैं हम तो यहाँ से, एक घंटे का रास्ता रह गया बस, 50 किलोमीटर रह गया, आराम से जाएंगे। अभी तो मुंबई आपका तो बहुत पीछे है, 100 किलोमीटर पीछे है, वहीं पहुँच के कुछ खाएंगे। तो फाइनली गाइस यहाँ से पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं मुंबई आपका, वो आ रहे हैं आधे घंटे में, इतने हम यहाँ पे हैं रॉयल विंग्स यहाँ पे मतलब ना यूजली खाने के लिए, तो कुछ खा लेते हैं इतने फिर चलेंगे साथ में। लेट्स गो। अभी यार ये तो बंद पड़ा है, तो यार आते ही पकड़ हो गया, अभी अगले कहाँ जाए। तो अभी गाइस सबसे पहले हम आए हैं श्रुति के पास में, श्रुति जानते हो तो क्या वैरायटी वाली, तभी हम यहीं से जा रहे थे तो श्रुति अगर बगल में ही था, मैंने चलो श्रुति से मिल लेते हैं। आज मेरा प्लान है सारे फ्रेंड्स से मिलो जितने भी आ गए, क्योंकि हम आ जाए यहाँ पे, कल हम निकल जाएंगे यहाँ से, तो सबसे मिल लेंगे आज। फाइनली इनोवा भी आ चुकी है, कैसा था, मजा आया, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, चलो 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 चलो। तो फाइनली अपनी कॉलोनी में घुस चुके हैं, बस यहाँ से ऐसे मुड़ना है और ऐसे मुड़ना है। ओ भाई ब्यूसी लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ से सिर्फ लेफ्ट, सिर्फ यहाँ से लेफ्ट लेना ब्यूसी। फाइनली गाइस चाबी लेके आते हैं, चाबी सामने वाले घर के पास, यहाँ की लाइट को बेसिकली, तो कितनी मस्त लाइट है, जब भी कोई लाइट नहीं दे रही फिर भी यहाँ से मस्त सनलाइट आती है।
चारों साइड दिक्कत हो रही है। अरे हाँ साइड यहाँ पे कूद रहा था, नहीं यहाँ से नहीं वहाँ से कूदता था। तो मम्मी पापा और चाचा तो नीचे सफाई कर रहे हैं अभी, अभी ऊपर आ गए थे, मस्त मस्त हवा चल रही है। कितना टाइम लगेगा? मुँह पे कुछ बांध लो, धूल से तबियत खराब हो जाएगी आपकी। मास्क लगा लो, मास्क धूल से तबियत खराब हो जाएगी। तो मैं आया हूँ गाड़ी के पास ड्रोन लेने के लिए, ड्रोन उड़ाते हैं। तो भैया ड्रोन पर उड़ा लिया है, अब हम जाए वही वही सरप्राइज। तो भी सारे फ्यूज मैं और दिव्यांश भैया जा रहे हैं, तो चलते हैं सीधा पारस भैया घर पे और उनको सरप्राइज करते हैं, देखते हैं क्या रिएक्शन करते हैं उनका। पारस भैया घर तो पहुंच गए, फॉर्च्यूनर खड़ी कर दी है और उनकी थार देखो ये खड़ी, उनकी थार। तो अब चलते हैं, ऐसे करेंगे एकदम से तीनों भाई गाएंगे, भाई ओ मेरे भाई है भाई मेरे भाई।
सोकट हो गया, स्टीयरिंग का सोकट, नदी में फिलहाल यहाँ पे देखो नदी भी है, लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया है कि पीछे मोटर ट्रक खड़ा है ना, हम आगे जा नहीं पा रहे बिकॉज आगे ना रास्ता टूटा पड़ा है। ये देखो यहाँ पे रास्ता टूटा पड़ा है, बहुत ज्यादा तेज पानी आ रहा है यहाँ पे, तो भी यहाँ पे पत्थर को हटा रहे हैं, तो निम्न भी यहाँ साइड पत्थरों को हटा रहे हैं ताकि मोटर ट्रक को यहाँ से निकाल सके। तो देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गहरा है, तो मोटर ट्रक निकालना है, वो भी अगर निकाल दो बाकी देखते हैं किस तरह से निकालेंगे भाई, मेरे को डर लग रहा है भाई। कोशिश मेरी रहेगी, कोशिश रहेगी पूरी पूरी, 100% निकालूंगा। इतना खतरनाक बहाव है पानी का, कह रहे निकाल दूंगा, चलो देखते हैं। तो भैया मेरे को कपड़े उतारने पड़ रहे हैं बिकॉज भीग जाऊंगा मैं, तो कपड़े उतार ही देता हूँ। ठीक है तो ये ऐसा जैसे का ब्लॉग ये देख सकते हैं, जब मॉन्स्टर ट्रकों का फंस गया था ये। रिएक्शन तो गजब है निकालने पे मॉन्स्टर ट्रक को। और अगर आप भी सर जोशी के फैन हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। लाइट जलाने के लिए, ओ जल गई, ओ भाई लाइट जल गई, ये जुगाड़।
है कि हमने यहाँ पत्थर रख के और ये पाइप लगा दी यहाँ पे, पाइप पे यहाँ पे हमने बल्ब लगाया और ये वायर जा रही है, ये वायर जा रही है गाड़ी तक और गाड़ी गाड़ी की बैटरी से चलाई है, गाड़ी की बैटरी से। तो जुगाड़ हम सब लेके आए थे, वो भी सब कुछ आता है, देखो मतलब गाड़ी की बैटरी से बल्ब चला दिया। तो अब टाइम आ चुका है लगाने का टेंट, तो मैंने यहाँ से पकड़ लगा, अगर मैं छोड़ दिया तो नीचे गिर जाएगा। आज हमको पत्थरों में सोना पड़ेगा भाई। वैसे मेरा प्लान नहीं था यहाँ पे टेंट लगाने का, मेरा प्लान था कि अच्छी जगह पे जहाँ पे घास हो, घास में टेंट लगाने का, लेकिन अभी यहीं पे पत्थरों में लगाना पड़ रहा है, वो नदी किनारे वो भी। लेकिन जो भी बहुत ज़्यादा एडवेंचरस लग रहा है, एकदम मस्त थ्रिलर थ्रिलर। हाँ अभी फिलहाल टेंट लगा रहे, अभी पहला टेंट लग रहा है, इसके बाद फिर खाना बनाएंगे हम, फिर खाना खाएंगे भाई, पता नहीं कब खाना बनेगा, कब टेंट लगेगा, लेकिन मज़ा आ रहा है, एक नया एक्सपीरियंस अलग एक्सपीरियंस है। तो फाइनली हमारा पहला टेंट लग चुका है, जो कितना मस्त लग रहा है। फिर अपलोड भी करना है, नेटवर्क भी नहीं है, तो शायद देखते हैं किस तरह से सुबह कल की अब तब ब्लॉग आएगा नहीं आएगा, सुबह 8 बजे ब्लॉग भी डालना होता है ना। हम लाएंगे 3 टेंट, एक लग चुका है, इसके बाद दूसरा, फिर 3। तो ये हमारे 3 टेंट, 1 2 3। अब क्या करना है, खाना, अब खाना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे प्याज काटा जा रहा है और यहाँ बन रहा है चूल्हा। हमने पार्ट 2 में इतना कर लिया है, अब पार्ट 3 में उसके ये धाड़ी है, इसकी ये धाड़ी है, वो और ईयर्स वगैरह सब करके करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। सो बाय बाय गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।